उसी से 10 किलोमीटर दूर हाजी अली की दरगाह है, उस पर सरकार कोई कंट्रोल नहीं। कश्मीर में वैष्णो देवी सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन हजरत बल्द की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। काशी विश्वनाथ का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, वहीं सटी हुई ज्ञानवापी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मथुरा का जन्मभूमि मंदिर सरकार के कंट्रोल में, वहीं से सटा हुआ ईदगाह मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। वही हाल केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर सरकार के कंट्रोल में, वहीं बगल पे थोड़ी दूर पे चर्च है, थोड़ी दूर पे मस्जिद है, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तिरुपति बालाजी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, और वहीं बगल में थोड़ी दूर पे मस्जिद भी है, चर्च भी है, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ये संविधान थोड़ी हुआ। संविधान तो दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान विधान बराबर संविधान, यानी ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। और ये जो आज आपने आपके हम सामने में बात रखा है, मैंने यही मैंने अपनी पिटीशन में लिखा हुआ है, और यही बात जिस दिन बहस होगी यही बात मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूंगा। अब आप लोग ये तय करिए कि जो दलीलें मैं कोर्ट में देने वाला हूं, ये जो दलील मैं आपके सामने दे रहा हूं, ये ठीक है कि नहीं। अगर ये दलील ठीक है तो कम से कम 10 लोगों को ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करिएगा। अपने अपने सांसद को ये लिंक टैग करके ट्वीट करिए, जितने व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, जितने टेलीग्राम के ग्रुप हैं, उस पर इस वीडियो इस लिंक को शेयर करिए, अपने फेसबुक पे इस लिंक को शेयर करिए, जिससे देश को पता तो चले कि इस देश में जो बहुसंख्यक समाज है उसी के साथ सारे अत्याचार हो रहे, बहुसंख्यक समाज के साथ ही सारी नाइंसाफी हो रही है। हम तो संविधान की मांग कर रहे हैं, समान विधान की मांग कर रहे हैं, और सरकारें बहुविधान चला रही है। 4 लाख मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन एक भी चर्च, एक भी दरगाह, एक भी मजार, एक भी मस्जिद को अपने कंट्रोल में नहीं लिया। 18 राज्यों ने कंट्रोल में ले लिया मंदिरों को, किसी एक भी राज्य ने एक भी चर्च, दरगाह, मजार और मस्जिद को अपने कंट्रोल में नहीं लिया। इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी। आशा करता हूं कि आपको हमारी जो ये लॉजिक है, जो आर्ग्यूमेंट है, ये आपको ठीक लगा होगा और आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत